वेलकम है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दिखाने वाले हैं आपको 3D वॉलपेपर और किस तरीके से 4D वॉलपेपर जो होता है वो इंस्टॉल होता है। यहाँ पे आप मेरी बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं ये 4D वॉलपेपर लग रहा है और इसी के साथ स्टेप है स्टेप मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से 4D वॉलपेपर लगता है। बैक साइड पे आप देख रहे हैं ये पूरा देख सकते हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे किस तरीके से 4D वॉलपेपर लगता है। ये आप देख रहे हैं ये अभी इसमें ग्लू लगाकर इसकी बैक साइड पे शीट के और ये आप देख रहे हैं ये प्रेस हो रही है पहले वाले और अभी आगे आप देखते रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने दूसरी शीट लगा दी है इसकी दूसरी शीट। अभी एक लास्ट की शीट और रह गई है देख सकते हैं फ्रेंड्स आप क्या लुक निकल कर आ रहा है एकदम 4D इफेक्ट आ रहा है इसका सीनरी का कस्टमाइज है ये वॉल के साइज़ के अकॉर्डिंग बनता है जो आपकी वॉल का साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग बनकर आता है। ये देख सकते हैं आप ये पेस्टिंग हो रही है प्रेस हो रही है इसकी आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं कितना निकल कर आ रहा है। और जो हमारी ये डिज़ाइन है गोल्ड और सिंगल में ये लेदर लुक पे है इसकी जो बेस में आप देख रहे हैं और ये थोड़ा हाइलाइटर के तौर पे जो साइड में जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े फूल से यहाँ पर हमारा अभी लास्ट पीस और रह गया है देख सकते हैं फ्रेंड्स आप ये हमारा लास्ट पीस लग रहा है इसका जो लास्ट पीस है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 4D वॉलपेपर का क्या लुक आ रहा है अलग ही इफेक्ट आ रहा है इसका निकल कर। अभी हमारे जो सेकंड पीस था वहाँ पर अभी ओवरलैप होगी जिससे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ हमें जॉइंट नज़र आ रहा हो आपको तो यहाँ पर अभी ओवरलैप होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए कॉल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके और इसी के साथ लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और वॉलपेपर आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पर ये अभी इसकी जो है ना डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलकर लग रही है इसकी मैचिंग हो रही है पेपर की। हमारा जो लास्ट पीस रह गया था इसका पूरा एक्यूरेट डिज़ाइन सेट किया जा रहा है। अगर आप भी वॉलपेपर लगवाना चाहते हैं तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिया है वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पर हम ओवरलैप कर रहे हैं जो जॉइंट था जिससे ये है कि अभी इसकी पूरी जो बिल्कुल मैच हो जाएगा और जॉइंट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। हम ये इसको स्केल से स्केल पर रखकर इसको पूरा कर रहे हैं और ऐसे ही यहाँ पर अभी एक जॉइंट और है इसको भी ओवरलैप किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इसकी पूरी ओवरलैप की जाएगी उसके बाद पूरा एक पीस में आपको लगने लगेगा। यहाँ पर अभी पूरा एक्चुअल पे आपको दिखाया जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर एक जो आप देख रहे हैं हमने जो 2-2 इंची एक्स्ट्रा लिया था दीवार से ऊपर अब हम इसको कट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी वॉल पे रेंच होती है उससे एक सार एक लेवल में आ जाता है। ये देख रहे हैं आप जो हमने दीवार से 1-2 इंची एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं इससे ये है अगर वॉल पर आपकी रेंच होती है तो इससे ये यहाँ पर दीवार पर कट कर देते हैं पेपर को पेपर ब्लेड से। ये अभी जो साइड में कटिंग है ये चारों तरफ इसकी पूरी कटिंग होगी और जॉइंट पर हम अभी हम इस पर ओवरलैप करेंगे ये देख सकते हैं आप।